नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है बेंजीन एंड टॉलिन, ठीक है, फॉर्म नियरली आइडल सोल्यूशन। उन्हें बोला बेंजीन और टॉलिन है वो आइडल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, हमने वेपर प्रेशर निकालना है बेंजीन एंड, मतलब हमें वेपर प्रेशर गिवन है बेंजीन एंड टॉलिन का, मतलब ओरिजिनली प्योर फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब मैंने पहले समझा रखा है प्योर होता है, ठीक है, ये गिवन है। टोटल प्रेशर निकालना है, अब सबसे पहले टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी किसके इक्वल है, पी नॉट बी एच बी, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, वॉलेटाइल है, तो मतलब नॉन वॉलेटाइल, सॉरी, दोनों का क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब उन्होंने बोला एन बी, सबसे पहले हमने एक्स ए निकाल दिया, एक्स ए किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस टॉलिन, सॉल्व कर दिया। हमें नहीं पता बेंजीन कितने हैं, हमने एक्स ले लिया, एक्स अपॉन एक्स, उन्होंने बोला था यहाँ पे नियरली इक्वल सोल्यूशन बाय मिक्सिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर इसका एक्स लिया तो इसका भी एक्स ले लिया, इसका भी एक्स ले लिया, तो एक्स अपॉन टू एक्स वन बाय टू आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, साथ ही सिमिलरली हमने मोल फ्रैक्शन टॉलिन की भी निकाली। टॉलिन की जो है वो कैसे निकाली, सेम टॉलिन इज इक्वल टू, मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन होता है, तो सेम बेंजीन प्लस टॉलिन इज इक्वल टू वन, वन बाय सॉल्व कर दिया। पी बी नॉट टॉलिन का भी दे रखा है, प्रेशर का भी दे रखा है, सब बेटा फॉर्मूला पुट करा और आंसर निकाल दिया, ठीक है। सेम अगला भी न्यूमेरिकल है, सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे क्या फर्क है, सिंपल देखो, सेम चीज हमने ऊपर भी कर रखी है, सेम चीज नीचे भी सेम करनी है इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये जो बेंजीन और टॉलिन है दोनों क्या है, वॉलेटाइल सल्यूट है ये वाले, तो जो वॉलेटाइल सल्यूट है वही प्रेशर लगाते हैं, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट प्रेशर नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन वेपर फेस में, वेपर फेस में फॉर्मूला होता है बेटा पी, यहाँ पे आता है वी मतलब वाई ए इज इक्वल टू पी एस अपॉन, मतलब वाई ए का मतलब हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है वेपर फेस में, अपॉन पी सोल्यूशन जो है इसका, मान लो ए का आया अपॉन सोल्यूशन, ठीक है। हमने टॉलिन का निकालना था, प्रेशर आ गया टॉलिन का अपॉन आ गया सोल्यूशन इज इक्वल पी नॉट अपॉन, ये सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया, क्लियर है बेटा।